वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री आसा दी वार, जो कि गुरु नानक देव जी महाराज साहब जी द्वारा रचित है, इस गुरबाणी दे विच बेअंत ही बेअंत खजाने हन। और एक खास गल इस बाणी दी ए है कि इस दे विच गुरु नानक देव जी ने वक्त दे जिन्ने पखंड सी महाराज साहब ने सारिया का खंडन करके गुरमत मार्ग सारिया नू सिखलाया। इस दे विच दस्या गया कि परमेश्वर की प्राप्ति किदां हो सकती है, असली परमेश्वर कौन है, पखंड क्रिया केड़िया केड़िया ने, सच्चा मार्ग केड़ा है। तो गुरु साहब जी ने सूतक पतक और बिना वस्त्रां तो रहना और अनेक प्रकार के इस तरह के जिहड़े पखंड सीगे वो सारे महाराज साहब जी ने कैंसल कर दिते। तो छोड़ी ले पखंडा नाम लय जाहे तरंदा। तो इस बाणी विच आप सारिया ने यह पढ़िया ही होएगा। एक खास श्लोक जिदे वल मेरा ध्यान गया, उहदे विच यह दर्शाया गया है कि सारी सृष्टि दे विच सारिया चीज़ा, चाहे वह सूरज होए, चंद्रमा होए, इंद्र होए, या फिर धरती होए, या आसमान होए, या सारिया चीज़ा परमेश्वर दे पै विच, परमेश्वर दी कमांड दे विच, परमेश्वर दे अदब हुक्म विच चलदियां हन। और सिर्फ परमेश्वर वाहिगुरू जी ही हन जो किसी दे पै विच, किसी दे पौ विच, किसी दी कमांड विच नहीं चलदे, जो 100% स्वतंत्र ने, इंडिपेंडेंट ने, अपने आप अपनी मर्जी नाल जो वो करना चाहन वो करदे ने, और उन्होंने किसी दी एडवाइस या सलाह लैण दी लोड़ नहीं पैंदी, और ना कोई उन्होंने दबाव पा के कोई उन्हां तो कम करा सकता है। तो इस श्लोक दे विच गुरु साहिब जी फुरमान करदे ने, पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चलह लख दरियाओ, पै विच अगन कढ़ै वेगार, पै विच धरती दब्बी पार, पै विच इंद फिरै सिर पार, पै विच राजा धर्म द्वार, पै विच सूरज, पै विच चंद, को करोड़ी चलत ना अंत, पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पै विच आडाने आकाश, पै विच जोध महाबल सूर, पै विच आवे जावे पूर, सगलिया पाओ लिखिया सिरलेख, नानक निरभउ निरंकार सच एक। तो इस श्लोक दे विच की सानू समझण नू मिलिया कि इस संसार विच सारियां चीज़ां परमेश्वर दे पै विच, उहदे कमांड विच चलदियां ने, अपनी मन मर्जी नहीं कर सकदी। और इस श्लोक विच बड़े ध्यान नाल अगर तुसीं पढ़ो तो तुहानू समझ आएगा कि जिहड़ी नासा है, जिहड़ी स्यूडो साइंस है, उन्हें ने जिहड़ा पखंड किया है, लोगों ने झूठ दस्या है, वह भी गुरु साहब जी ने उजागर कर दिता। मतलब उस वेले दे पखंड तां उजागर होए ही सीगे, पर जे कोई गुरसिख इन्हां शब्दां नू ध्यान नाल विचार पढ़ेगा तो उन्हें समझ आजूगा कि अज भी पखंडी साइंस सानू मूर्ख बनाने वास्ते कितनी गलत चीज़ें दसदी है। जिवें कि सानू दस्या गया कि साड़ी धरती एक 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड के नाल रोटेट करती पई है। सानू की दस्या गया, साड़ी धरती 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे, इस तो भी वध स्पीड के नाल सूरज के दुआले चक्कर कटती पई है। और इन दोवां गल्लां दा ना तो कोई प्रूफ है, ना कोई एक्सपीरियंस है। मतलब जो भी चीज़ें दुनिया विच होंदियां ने, इंसान उन्हें देख सकता है, नहीं तो एटलीस्ट सुन सकता है, नहीं तो एटलीस्ट महसूस कर सकता है, और वेरीफाई भी किया जा सकता है। परंतु धरती की स्पिन बारे, धरती की रेवोल्यूशन बारे ना तो कोई विजन है, ना कोई साउंड है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, और ना ही कोई वेरीफिकेशन का प्रोसेस है। यह तो सिर्फ उन्होंने दस दिती, हाँ भाई धरती घूमती है तो तुम मन लो, तो लोगों ने मन भी ली, क्योंकि जो चीज़ा लोगों को दसिया जाते हैं हर कोई अपना दिमाग बुद्धि का प्रयोग नहीं करता और उसनों मन भी लेंदा है। पर गुरबाणी विच बहुत क्लीयर कट लिखा होया है कि धरती कोई रेवोल्यूशन या रोटेशन नहीं कर रही है, धरती दब्बी पार है। पै विच धरती दब्बी पार, पार यानी वेट, वेट दे नाल, वजन दे नाल धरती दब्बी पई है। दब्बी मीनस कि तुसी किसी चीज़ को अगर दब लो तो प्रेस हो जाती है, प्रेस डाउन हो जाती है, दब जाती है, वो भजन योग नहीं रहती। और खासकर 1,00,000 किलोमीटर पर आवर यानी कि 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक सेकेंड विच, मतलब कि 3-4 सेकेंड विच 100 किलोमीटर तो भी अगे लंघ जाए, इन्नी स्पीड धरती दी होवे ते ना किसी ने सुनिया, ना देखिया, ना कभी महसूस किया, कुछ भी नहीं। और गुरबाणी विच की लिखा, दब्बी पार, धरती दब्बी पई है, प्रेस डाउन है, तो इन्नी स्पीड से भजना तो दूर वो वैसे भी नहीं भज रही क्योंकि वो स्टेशनरी है। और ये गल नवी नहीं है कोई, ये तुसी जो भी बंदा इस वीडियो में देख रहा है, तुसी आप देखो अपने पैर के थले कोई धरती घूमती पई है, कुछ भी नहीं घूमता पाया, सिर्फ साइंस ने दस्या है कि भी धरती घूमती पई है, तो असी मन लिया, कोई धरती नहीं घूम रही, धरती एकदम स्टेशनरी है। मैं थोनों सिख पंथ दे
बहुत मन्ने परमन्ने विद्वान जिन्होंने अज तो 50 साल पहला ही कथा विच ए गल आख दिती सी कि अज साइंस कह रही है कि धरती जड़ी आ सूरज द्वाले चक्कर लगांदी पई है, धरती तुरदी पई है, पर असल विच तां गुरु साहब कह रहे ने धरती खड़ोती है। आ साइंस वाले किदां दीआं गल्लां करदे ने, ये ज्ञानी जी साडे ऑलरेडी कह चुके ने। पै विच धरती दबी पार, परमेश्वर दे पै विच ही धरती जड़ी है धार दी दबी होई है, जां लखां किले बण जंगल पहाड़ आदिक सारिया भारा की दबी हुई पैसे भारे की धरती खड़ी है। साइंस वाले कहंदे है धरती तुरदी है, सो महाराज साहब कहंदे भी दबी हुई भार की खड़ोती है पैसे की। हुण आईए आपां इसी श्लोक वल। कई लोग कहंदे ने की पता भार तां पिया धरती ते पर फिर भी वह स्पिन कर सकती है। उसी श्लोक नूं अगर ध्यान नाल दीर्घ विचार करोगे तो उहदे विच जिहड़ियां भी चीज़ां मूव करदियां पईआं ने, यानी चलदियां पईआं ने, उहनां बारे वर्ब्स यानी क्रियावाचक शब्द वह प्रयोग विच लियाए गए ने जिन्हां दा अर्थ मूवमेंट होंदा है। जिवें कि हुण हवा चलदी है, हवा फ्लो करदी है, तो लिखे है पवन वह सदवाओ, वह मतलब वहंदी या फ्लो करदी है। इसी तरह जिहड़ी दरियावां ने ओशियंस ने चलदियां ने, तो उहदे विच की लिखिआ है पै विच चलना है लख दरियाओ, दरियावां जिहड़ियां ने उह पै विच परमेश्वर दे पै विच फ्लो करदियां ने, चलना है लख दरियाओ। इसी तरह पै विच अगन कढ़ है वेगार, पै विच धरती दबी पार। जे धरती की गल आई तो कोई मूवमेंट का वर्ब नहीं आया, धरती में दबिया हुआ प्रेस डाउन लिखा हुआ है। उस तो बाद एक क्वेश्चन होर भी आता है कि इंद्र जड़ा है वह भी तो भार नाल लद्या होया पर वह तो फिर है, फिर का मतलब होंगे फिरना, तो इंद्र के उत्ते भार तो है पर भार के होंदे हो फिरदा पिया है। तो स्पेसीफिक वर्ड यूज ने महाराज साहब ने यूज़ किया है फिर है, लेकिन धरती बारे दबी भार ना तो फिर लिखा है, ना चलें लिखा है, ना वह लिखा है, ना तुरे लिखा है, या घूमे भी नहीं लिखा हुआ, कोई स्पिन या रोटेशन का वर्ड नहीं लिखा हुआ, उत्ते लिखा प्रेस डाउन, अर्थ इज प्रेस्ड डाउन। उस तो अगे देखो साइंस ने की किया कि साड़ी धरती सूरज के चक्कर लगाती है। पहली गल तो प्रेस डाउन है, स्टेशनरी है, किसी के भी चक्कर नहीं लगा रही, सूरज की तो बहुत दूर की गल है, लेकिन सूरज साड़ी धरती के उत्ते ओवर एंड अबव घूमता पाया है। उहदे वास्ते गुरु साहब जी ने लिखा होया है पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत ना अंत, चंद्रमा और सूरज कोहां करोड़ां चलते ने और इन्हां दे चक्कर का कोई अंत नहीं है। सो हुण तक सानू इह गल्लां समझ आईआं कि साड़ी जिहड़ी धरती है वह नॉन रोटेटिंग है और स्टेशनरी है, यानी वह घूमती नहीं पई, वह अपनी जगह पर ही खड़ोती है। एक होर गल जो समझ आई कि चंद्रमा ते सूरज साड़ी धरती दे ओवर एंड अबव चक्कर लगा रहे ने, साड़ी धरती सूरज चक्कर नहीं लगा रही है। कि दबी पार, जे धरती दी गल आई तो कोई मूवमेंट का वर्ब नहीं आया, धरती नूं दबिया हुआ प्रेस डाउन लिखा हुआ है। उस तो बाद एक क्वेश्चन होर भी आता है कि इंद्र जड़ा है वह भी तो भार नाल लद्या होया पर वह तो फिर है, फिर का भी मतलब होंगे फिरना, तो इंद्र के उत्ते भार तो है पर भार के होंदे हो फिरदा पिया है। तो स्पेसीफिक वर्ड यूज ने महाराज साहब ने यूज़ किया है फिर है, लेकिन धरती बारे दबी भार ना तो फिर लिखा है, ना चलें लिखा है, ना वह लिखा है, ना तुरे लिखा है, या घूमे भी नहीं लिखा हुआ, कोई स्पिन या रोटेशन का वर्ड नहीं लिखा हुआ, उत्ते लिखा प्रेस डाउन, अर्थ इज प्रेस्ड डाउन। उस तो अगे देखो साइंस ने की किया कि साड़ी धरती सूरज के चक्कर लगाती है। पहली गल तो प्रेस डाउन है, स्टेशनरी है, किसी के भी चक्कर नहीं लगा रही, सूरज की तो बहुत दूर की गल है, लेकिन सूरज साड़ी धरती के उत्ते ओवर एंड अबव घूमता पाया है। उहदे वास्ते गुरु साहब जी ने लिखा हुआ है पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत ना अंत, चंद्रमा और सूरज कोहां करोड़ां चलते ने और इन्हों के चक्कर का कोई अंत नहीं है। सो हुण तक सानू इह गल्लां समझ आईआं कि साड़ी जिहड़ी धरती है वह नॉन रोटेटिंग है और स्टेशनरी है, यानी वह घूमती नहीं पई, वह अपनी जगह पर ही खड़ोती है। एक होर गल जो समझ आई कि चंद्रमा ते सूरज साड़ी धरती दे ओवर एंड अबव चक्कर लगा रहे ने, साड़ी धरती सूरज चक्कर नहीं लगा रही है।